फ्रेंड्स, क्या आपने इस तरह का एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन कभी पहले देखा है? आप लोग देख रहे हैं कि आज किस तरह से सब जगह सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड खबर छाई हुई है। वजह है सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी के अरेस्ट होते ही कई मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। इस मामलों में जो सबसे अहम बात, नीरज, केशव और साहिल विटनेस बन गए हैं। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है, कई डिस्क्लोजर्स कर गए, लेकिन आज जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का मामला सामने आया, बड़ा ही सरप्राइजिंग लगा। रिया चक्रवर्ती ने अपने कबूलनामे में फैमिली को आरोपी बना दिया। उस व्यक्ति को जो कि मल्टी टैलेंटेड था। आप लोग देखिए, सुशांत जहां पर एक तरफ एस्ट्रोफिजिक्स की बात करता है, वहीं अपने एक्टिंग के ज़रिए लोहा मनवा चुके थे कई ऐसी फिल्मों में, जैसे MS धोनी, छिछोरे, दिल बेचारा, काई पोचे, केदारनाथ। हर उस फिल्म में, हर उस कैरेक्टर को जी कर दिखाया सुशांत सिंह राजपूत ने। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत एक सुपर बॉक्सिंग लीग के भी को ओनर थे? कहाँ एक तरफ एस्ट्रोफिजिक्स, कहाँ एक तरफ एक्टिंग और वहीं दूसरी तरफ बॉक्सिंग। को ओनर थे दिल्ली ग्लैडिएटर्स के, जो कि एक सुपर बॉक्सिंग लीग है। इसमें 8 टीमें हैं दिल्ली ग्लैडिएटर्स, जिसके को ओनर सुशांत सिंह राजपूत थे, हरियाणा वॉरियर्स, मराठा योद्धास जो कि पुणे की टीम है, इसमें रितेश देशमुख को ओनर हैं या ओनर हैं, मुंबई असैसिंस, नितिन जाधव, सोहेल खान, नॉर्थ ईस्ट टाइगर्स, अमित अग्रवाल, प्रकाश जौहरी, अरुण मल्होत्रा, OPM पंजाब, दीप मल्होत्रा, सनी लियोने, गौरव मल्होत्रा ओनर्स हैं। बाहुबली बॉक्सर्स, उनके ओनर्स हैं मोहम्मद ईसा, विशाल सिवापा, सुनील शेट्टी, राणा दघुपति, जुनेद बिन तकदीन मोहम्मद, शोभू यलगड़ा, अभि मित्तल। UP टर्मिनेटर्स, जसकरन पुनियानी एंड नवराज जोरा एंड कनिका कपूर। टैलेंट से भरपूर व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है, ये एक नुकसान इंसानियत के लिए भी है, क्योंकि इस तरह का मल्टी टैलेंटेड पर्सन जो कि AI पर काम कर रहे थे। और देखिए, आज उन्हीं की जस्टिस की मांग दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत केस पर आने वाले दिनों में बड़ी खबरें रहेंगी। जिस तरह से लेटेस्ट अपडेट्स और मूवमेंट चल रही हैं, वी एक्सपेक्ट कि जल्द कुछ खबर निकल कर आएगी, क्योंकि 8 ड्राइव्स के अंदर जो भी था वो भी शायद अब मिल गया है। अभी 50-50 पर है, लेकिन उस पर कंफर्मेशन आते ही आने वाले दिनों में आप देखिए बहुत कुछ होने वाला है SSR जस्टिस में। तो फिलहाल इतना ही, एक छोटी सी खबर रिलेटेड टू अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा।